नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी बासुकीनाथ में जैसे जैसे सावन माह समाप्ति की ओर अग्रसर होता जा रहा है, कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रातः 3 बजे गर्भगृह के कपाट खुलने के साथ ही पुरोहित पूजा के उपरांत आम भक्तों के लिए अर्घ के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। इस बीच कांवड़ियों की कतार शिवगंगा के पश्चिम तट पर टाटा धर्मशाला तक पहुंच गया। पूरा वातावरण भोलेनाथ की जयकारे से गुंजयमान हो गया। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद मंदिर से बाहर निकलने वाले श्रद्धालु भक्तों के चेहरे पर असीम आनंद, श्रद्धा एवं भक्ति का भाव दिख रहा था। जीबीएन 24 के लिए दुमका बासुकीनाथ धाम से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। फीलिंग हो रहा है और बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, है ना। वो सब जब जल अर्पण किए उसका इतना फ्री लग रहा है जो कह नहीं सकते। हेलो, एकदम ऐसा महसूस हो रहा है जब मतलब हमसे कोई छूटा हुआ चीज़ है और झारखंड सरकार जो है थोड़ा लापरवाही कर रहा है कि इसका व्यवस्था उतना ढंग अच्छा तरह से नहीं है। अच्छा व्यवस्था जिस तरह होता है ना, पहले जिससे होता था स्टैंडर्ड, वो नहीं है। अभी एक लाइन में 3 आदमी घुसा देता है और उसका